हाय फ्रेंड्स, हमारे हाथ में सैमसंग की A14 फोन है, A14, और इसमें पैटर्न लॉक लगी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। और हम इसे अनलॉक करने वाले हैं, लेकिन इसको हम अनलॉक नहीं कर पा रहे बहुत मेहनत करके, और आप भी अनलॉक नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को देखने आए हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा जब देख लेंगे ना, आपकी फ़ोन 100% अनलॉक होगी, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ना, हम इस फ़ोन को अगर स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे पैटर्न या पासवर्ड मांगती है। सैमसंग की हर फ़ोन में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी फ़ोन अनलॉक अगर कर रहे हो या फिर लॉक लगा हुआ है, उस समय अगर स्विच ऑफ करना चाहते हो तो वो कभी स्विच ऑफ नहीं होगी जब तक हम उसमें पासवर्ड नहीं डाल लेते। तो उसको कैसे हम बाईपास करेंगे, उस कैसे वो कौन सी ट्रिक है जिससे हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर स्विच ऑफ हो रही है फिर भी आपकी फ़ोन अनलॉक नहीं हो रही, तो वो क्या प्रॉब्लम है क्योंकि नहीं हो रही है, उसके लिए भी इस वीडियो को पूरा देखते रहे, ठीक है ना। तो हम सभी के सॉल्यूशन आज लाए हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपके पास जो भी फ़ोन है सैमसंग के, वो कोई भी मॉडल हो सकता है, मैं ये मेथड ये ट्रिक ना सभी मोबाइलों के लिए वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम मोबाइल की ना तीनों बटन को प्रेस करके रखेंगे, वॉल्यूम प्लस माइनस एंड पावर, तीनों को जब हम प्रेस करके रखेंगे ना, कुछ इस प्रकार की ऑप्शन आएगी और उसके बाद मोबाइल की लाइट चली जाएगी। ऐसा जाने के बाद ना हमें माइनस को छोड़ के प्लस को दबा के रखना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, फ़ोन रीस्टार्ट होने लगता है। मैक्सिमम फ़ोन में ना रिकवरी मोड आ जाती है जहाँ से हम इजीली वाइप डाटा फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई फ़ोन ने रीस्टार्ट हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता इसके बाद मैं क्या करूँ, क्योंकि यही एक ऑप्शन है मोबाइल को वाइप डाटा करने का, फैक्ट्री सेट करने का। तो हम इस मेथड में क्या कर सकते हैं, ऐसा मैं एक दो बार और ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर ऐसा हो जाता तो मैं इतनी मेथड से मोबाइल को अनलॉक करूँगा। अगर इस मेथड से अनलॉक नहीं होता तो आगे वीडियो में बने रहें, मैं दूसरी मेथड भी यूज करूँगा और आप लोग भी उस मेथड को आसानी से सीख सकते हो। मैंने कई बार इस ऐसे करके कितने फ़ोन अनलॉक किए हैं, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो को ना आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज कीजिएगा, कहीं भी स्टोलन वाली फ़ोन को अनलॉक नहीं कीजिएगा। मैं ये दूसरी बार ट्राई कर रहा हूँ इस फ़ोन पे, वही सेम मेथड पावर बटन प्लस वन प्लस माइनस तीनों को एक साथ दबाकर, लेकिन ये फ़ोन फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमें क्या करने होंगे ना, हमारे पास एक दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर चाहिए, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं भाई, आपके पास कोई दूसरा मोबाइल हो ना, उसका OTG कनेक्शन ऑन कर लो सेटिंग से जाकर, और उसमें एक OTG कनेक्ट कर लो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो ना, उसमें से OTG में से ना एक डाटा केबल को कनेक्ट करो, डाटा केबल है ना वो मोबाइल में कनेक्ट करना, जो भी आपके सैमसंग की फ़ोन है उसमें कनेक्ट करना, और OTG की कनेक्ट करना, आपको पुराने वाला कोई भी फ़ोन हो उसमें कनेक्ट कर देना है। मेक श्योर आपकी OTG कनेक्शन सेटिंग से ऑन होनी चाहिए, और वो भी जो फ़ोन है ना जिससे OTG कनेक्ट करो उसकी स्क्रीन लॉक ऑन मतलब ओपन कर देना, ठीक है ना, तभी ये कनेक्ट हो काम हो पाएगा। उसके बाद क्या करना है, OTG कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, सैमसंग वाली फ़ोन में ना हमें फिर से वॉल्यूम प्लस माइनस एंड पावर बटन तीनों को प्रेस करके रखना है, एंड जब रीस्टार्ट मतलब लाइट चली जाएगी, फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, तो हमें माइनस को छोड़ देना है, लेकिन प्लस को दबा के रखना है। जैसे ही प्लस को दबा के रखेंगे ना, माइनस को छोड़ने के बाद ये फ़ोन ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में चला गया विद इन सेकेंड, और यहाँ पे देख सकते हैं रिकवरी मोड में चला गया, A14 फ़ोन है, कोई भी फ़ोन हो चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ना वॉल्यूम माइनस को प्रेस करके हम नीचे आएंगे, प्लस को दबाएंगे ऊपर चले जाएंगे, नीचे आने के लिए हमें माइनस को प्रेस करना है, और वाइप डाटा फैक्ट्री सेट पे आके हमें पावर बटन को प्रेस करना है, सिलेक्शन के लिए हमें पावर बटन और अप एंड डाउन के लिए वॉल्यूम प्लस एंड माइनस दोनों को यूज करना, ठीक है ना। हमें वाइप डाटा फैक्ट्री सेट पे क्लिक करना है पावर बटन को, एंड देन उसके बाद फैक्ट्री डाटा रीसेट पे आके हमें पावर बटन को फिर से प्रेस करना, तभी जाके हमारे फ़ोन की डाटा क्लियर हो पाएगी। यहाँ पे डाटा क्लियर हो गई, कैसे क्लियर हुई, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है वाइप डाटा कंप्लीट, ठीक है ना। अभी रीस्टार्ट सिस्टम नाउ पे हमें इजीली पावर बटन को ओनली प्रेस करना है, और दूसरा कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है हमें। यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करेंगे ना, हमारे फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएंगे, एंड 5 से 7 मिनट के बाद आपके फ़ोन खुद से रिबूट हो जाएंगे, और उसमें सारी डाटा क्लियर हो जाएगी, और आपके स्क्रीन लॉक भी खत्म हो जाएंगे, और कोई भी लॉक हो, फेस लॉक, फिंगरप्रिंट या फिर कुछ भी अगर वगैरह, सब खत्म, A to Z, गुड बाय टाटा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपकी फ़ोन बिल्कुल फ्रेश नए की तरह हो जाएगी, और आप आसानी से यूज कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएं, और आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और हमें प्यार देने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।